हेलो एवरीवन, आज की हमारी रेसिपी है अमृतसरी फिश फ्राई। पहले हम 500 ग्राम फिश लेंगे, उसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, थोड़ा सा लेमन जूस, ये लेमन जूस डाल दिया मैंने, थोड़ी सी हींग, और साथ में रेड चिल्ली पाउडर। ये कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डालूंगा क्योंकि इसमें रंग ज़्यादा होता है और तीखा ये कम होता है। एंड अब हम इसे फर्स्ट मैरिनेशन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब फर्स्ट मैरिनेशन मिक्स हो जाए तो हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। 5 से 10 मिनट बाद हम इसमें डालेंगे दही 3 से 4 चम्मच, साथ ही में हम इसमें डाल देंगे कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर फॉर नाइस कलर, नमक स्वाद अनुसार। ये सबसे मेन इंग्रेडिएंट है कसूरी मेथी जो मैंने क्रश की हुई है, और साथ में अजवाइन। दीज आर द मेन इंग्रेडिएंट्स फॉर अमृतसरी फिश फ्राई। अब हम इसमें डाल देंगे 1 या 1.5 चम्मच चावल का आटा, राइस फ्लोर, और साथ ही में ग्राम फ्लोर बेसन। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो अमृतसरी फिश होती है वो बैटर फ्राइड फिश नहीं होती। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम 5 से 7 मिनट के लिए ढक के इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद चलते हैं इसको तलने के प्रोसेस में। फॉर बेटर टेस्ट, अच्छे टेस्ट के लिए इसको सरसों के तेल में तलें। ये नॉर्मली 3 से 4 मिनट लेती है फिश पकने के लिए। अब मैं आपको काट के दिखाता हूं फिश। आप यहां पे देख सकते हैं कि फिश कितनी जूसी है और अंदर से बिल्कुल अच्छी तरह से पक गई है। इफ यू लाइक दिस रेसिपी प्लीज लीव अ लाइक, कमेंट डाउन बिलो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर अमेजिंग रेसिपीज।